नमस्कार, आज हम बनाएंगे ठेकुआ, जो बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ठेकुआ छठ माता की पूजा पर हर घरों में बनाया जाता है। ये छठ का मेन प्रसाद है। ये प्रसाद गेहूं के आटा से बनता है और खाने में एकदम खस्ता और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे खजूर भी कहते हैं। इसे बनाकर 15-20 दिन के लिए आप रख सकते हैं, या सफ़र पर जा रहे हैं तो बनाकर ले जा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें 3 कप मैंने मेजरिंग कप से गेहूं का आटा ली हूँ। वैसे तो ठेकुआ बहुत तरीके से बनाया जाता है, मैदे से बनता है, सूजी से बनता है, लेकिन गेहूं के आटे से बने ठेकुआ खस्ता, स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। अब इस आटे में मिठास के लिए 3/4 कप चीनी मैं डाल रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पीसी हुई चीनी पसंद हो तो मिला सकते हैं, लेकिन पीसी हुई चीनी से ज़्यादा बढ़िया ठेकुआ दानेदार चीनी का लगता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें 1/2 कप नारियल का बुरादा मिलाएंगे। इसको डालने से ठेकुआ का स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। घर में हो तो डालिएगा, वरना मत डालिए, ये ऑप्शनल है। अब इसमें बारीक कटे हुए बादाम और काजू मिलाएंगे। इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स नापसंद हो तो ना डालें। मात्र 3 चीज़ों से भी ठेकुआ बनता है, आटा, चीनी और मोयन, या आटा, गुड़ और मोयन। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिला के देख लेंगे कि मोयन सही है कि नहीं है। अगर मुट्ठी बंध रहा है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मोयन मिला लेंगे। मैं यहाँ मुट्ठी बांध के देख रही हूँ तो थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1/2 कटोरी और रिफाइंड मिलाऊँगी। अब आटे में मोयन को अच्छे से पहले मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक सख्त डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, और एक सख्त आटा गूंथकर तैयार करेंगे। इससे ठेकुआ एकदम खस्ता बनेगा। ये आटा तैयार हो गया है, मैंने सख्त आटा लगाया है। जितना बड़ा ठेकुआ बनाना है उतना आटा लेंगे और अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से सारे ठेकुओं पर डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह डिज़ाइन बना लेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इस फोक से प्रेस करेंगे और इस तरह डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ठेकुआ पे डिज़ाइन बन गया है। इसी तरीके से सारे ठेकुए पे डिज़ाइन बना लेंगे और अब इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा आटा डालकर चेक करेंगे, बबल्स आ रहे हैं। फ्राई करने के लिए ऐसा तेल चाहिए। अब एक एक करके ठेकुआ डालेंगे और ठेकुआ को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लो पर फ्राई करने से ठेकुआ खस्ता बनता है। एक तरफ से ठेकुआ फ्राई हो जाए तो पलट देंगे, दोनों तरफ से अलट पलट कर फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से सारे ठेकुआ पर डिजाइन बनाकर लो फ्लेम पर तल लेंगे। ठेकुआ को फ्राई करते समय हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, इसे लो फ्लेम पर तलना है। इससे स्वादिष्ट और खस्ता ठेकुआ बनता है। सारे ठेकुआ फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी खस्ता ठेकुआ बना है।
कलर अच्छा आया है, जैसे जैसे ठंडा होगा और भी खस्ता होते जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भरकर रख सकते हैं। इसे सफ़र के लिए भी बना सकते हैं और घर पर कभी भी बनाकर 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।